मिलन, मैं और शशि, मैं एक बात और बताना चाहूंगी. शशि आप थी नहीं यहाँ पे, हमने कुछ दिन पहले एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन एंटीजन टेस्टिंग किट के बारे में किया बात था, की वो थी. कैसे वर्क करता है, और इसके बाद कई सारे क्वेरीज आए हैं. मिलन थोड़ा सा डिविएट कर रही हूँ, लेकिन इसके बारे में आपने टेस्टिंग मेंशन किया तो मुझे याद आया, और कई सारे लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं. एंटीजन टेस्टिंग रिलायबल है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने उसको ग्रीन सिग्नल दिया है, ऐसे कई सारे टेस्ट किट्स हैं. लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि एक पेशेंट जो कोविड पॉजिटिव है लेकिन उसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं है, तो वो उस टेस्ट में अगर वो टेस्ट करे तो ये पॉसिबल है कि उस पर नेगेटिव आएगा और उस पेशेंट को एक फॉल्स अश्योरेंस और सिक्योरिटी मिलेगी कि उसको मैं तो कोरोना फ्री नहीं हूं, है, मुझे तो कोविड-19 कोरोना वायरस नहीं नहीं है. है, राइट. लेकिन अगर आपको सिम्टम्स है तो आप आरटीपीसीआर जरूर रिपीट कराएं, और अगर आप हाई रिस्क है और आपको सिम्टम्स नहीं है तो भी आप आरटीपीसीआर रिपीट कराएं, या आईसीएमआर के खुद के परपसिव टेस्टिंग की गाइडलाइंस हैं, और सिम्टम्स होने पे तो जरूर ही कराएं. और अगर नहीं, आपको इसमें इसमें ऐसे भी जी देख सकते हैं ना, मैं इसमें एक और चीज़ जोड़ना चाहूंगी, जी क्योंकि फ्लू में भी जरूरी नहीं है कि आपको कोरोना हो. सिंपल फ्लू में भी अगर आप आइसोलेशन में चले जाएंगे, 1% आप सही से टेस्ट ना कर पाए हो, इसलिए तो बाकी के लोगों को फायदा होगा, क्योंकि फ्लू भी तो एक दूसरे से फैलता है ना. जी लेकिन फ्लू में सिम्टम्स हैं, हाँ और अगर आप चाहते हैं कि आप एक मेंटली भी एक इंसान क्लियर होना चाहता है कि राइट, मुझे कोविड है तो नहीं है, क्या आरटीपीसीआर. मैं 2 दिन बाद में काम पे जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ, तो अगर आपको सिम्टम्स है फ्लू के तो आप आरटीपीसीआर जरूर कराएं, और अगर एंटीजन कराना चाहते हैं तो आप वो भी कराएं. अगर आप पॉजिटिव हैं और एंटीजन में आपको 2 लाइन्स आ रही है लाइन में और आपको सिम्टम्स है, तो वो 99% आप कोविड पॉजिटिव ही है. लेकिन अगर सिम्टम्स नहीं है और 2 लाइन्स आ रही है, आपको बिल्कुल भी कोई सिम्टम्स नहीं, आपने एंटीजन करा लिया प्रिकॉशन के लिए करा लिया, और वो पॉजिटिव वो दिखा रहा पॉजिटिव निकला, तो ये चांस है कि उस टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है, और अब आरटीपीसीआर करा सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अभी भी कंफर्म हो आरटीपीसीआर रहे. डेड वायरस तक वो पिक करता है. तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो 40-50 दिन के बाद भी पॉजिटिव रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो इन्फेक्शस है, इसका मतलब ये है कि डेड वायरस भी, क्योंकि सेंसिटिव होता है, आरटीपीसीआर टेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ टेस्टिंग माना जाता है, वो ये डेड वायरस को भी पिक कर लेगा. मिलन नहीं बिल्कुल, लेकिन लोगों में ये दो चीजें जो अभी चल रही है कि मैं टेस्ट करूंगा या टेस्ट करूंगी तो ज्यादा प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे, उसके ऊपर से कोई आइसोलेशन में नहीं रहना चाहता. सच बात अगर मैं बताऊं तो यही है. ये लोगों को लगता है कि अगर सर्दी खांसी जुकाम है तो ठीक है, आदमी खांसे और दवाई खाए और फिर काम पर जाए, लेकिन जो 7-10 दिन का आइसोलेशन पीरियड होता है वो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं करना चाहता. ये एक और कारण है क्योंकि लोग टेस्ट नहीं करवाना चाहते. मतलब अगर आप बोल भी देंगे, अगर खांस रहे हैं, अगर आप बोल देंगे नहीं मैं टेस्ट करवा लेता हूं, तो सामने वाला बोलेगा क्या फायदा है, मत कराओ टेस्ट.